भाई सच्चा सतगुरु को यह न पूज ये झूठो जगपतिया सी। सच्चा सतगुरु को यह न पूज इन झूठो जगपतिया सी। अंधे की बा गही अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोह गियो रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोह गिया रे जग सारा रोह गिया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा रोह गिया रे भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे सार शब्द सरजीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या। सारा रोगिया रे सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोगिया रे अपनात्मा परमात्मा कहते हैं ये जन्म मरण का रोग लग्या तृष्णा बढ़ रही खांसी है। अब जैसे जन्म मरण का रोग यो तो है ही है और साथ में यह इच्छा रूपी दासी खांसी यानी जिसके खांसी का रोग हो जाए सारी रात खुल्लू खुल्लू खुल खुल दो दो मिनट में उठा करें तो ऐसे हमारे यह तृष्णा रूपी खांसी यानी डिमांड नो हो जाए। एक साइकिल ले लूँ फिर मोटरसाइकिल ले लूँ फिर फलाना चीज हो जाए एक एक मिनट में या खांसी सी नहीं नहीं उठे तो परमात्मा कहते या तृष्णा रूपी खांसी इच्छाएं जो आपकी हैं ये यो एक और बीमारी साथ में आपके एक रोग और है जो इस जन्म मरण की जड़ है। इच्छा दासी जम की खड़ी रहे दरबार या काल की नौकरानी है या इच्छा और ये आपको यही रोक लेती है यही रख देती है। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी ये जन्म मृत्यु की आवागमन की डोर है। ये काल की फांसी हमारे घली हुई है डाल रखी है गल में। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे इन झूठों जगपतिया सी। अंधे की बा पकड़ रहा अंधा मार्ग कौन बतासी। अंधे गुरु ज्ञानहीन जिनको आज तक ये नहीं पता ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कौन है। ये अविनाशी हैं या नाशवान इनको अविनाशी कह रहे हैं। इनकी हिस्ट्री में इनकी जीवनी में लिखा ये नाशवान है ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी। तो ये अंधे गुरु थे ज्ञानहीन थे और इन अंधों की उंगली हाथ हमने पकड़ रखा था कि ये बड़े विद्वान है क्योंकि संस्कृत भाषा जानते थे।
फिर कहते हैं साचा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठे जग पतिया सी, अंधे की बागई अंधे ने मारग कौन बतासी। फिर बताते हैं कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए और किया नहीं तो विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर यू काल ठोकर पंजारा। फिर बताते हैं परमात्मा के सार शब्द सरजीवन बूटी, ये सार शब्द जिसको मिल जाएगा ये सरजीवन बूटी है, जन्म मृत्यु के रोग को सदा के लिए समाप्त कर देगी। लेकिन इसको आजीवन प्रयोग करना है, संत शरण में रहना है, मर्यादा में रहते हुए प्रयोग करोगे तो लाभ होगा, अन्यथा नहीं। सार शब्द सरजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, कह कबीर तुम सत्कर मानो यो जन्म मरण मिट जावे। अब परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं आपको परमात्मा की अमृतवाणी से, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंप नहीं तुम्हारा उधर जात है वंश। कितनी बार गवाही देते आदनी गरीबदास साहिब जी के पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यानी परमात्मा की मर्यादा में रहो, परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहो और सत भक्ति करते रहो, परमात्मा का पंजा आपके सिर पर बना रहेगा और यम के दूत निकट नहीं आ सकते, और तेरा वंश उधर जाएगा, पूरा खानदान आने वाला, तेरे जितने भी वंशज होंगे। वही वाणी परमात्मा की प्रत्यक्ष हो रही है कि भक्ति बीज जो होवे हंसा और तारू तास के इकोत्तर वंशा, इकोत्तर वाणी 101 है, उसके 101 वंश यानी पीढ़ी को पार कर दूंगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। दर्द बंद दरवे से है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश है, दर्द बंद माने दयालु परमात्मा है, दरवेश माने साधु संत, संत रूप माए थे परमात्मा, वो सतगुरु पुरुष कबीर नाम लिए तो बंद छुटे है और टूटे जम जंजीर। जम माने काल की, जंजीर माने बंधन, ये कर्म के बंधन सब काट के परमात्मा सतलोक ले जाता है। इसलिए परमात्मा अपनी महिमा अपने आप बताते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहूं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान अजर और अमर है, वो सतलोक है, सनातन परम धाम है। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सार, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सार, दो चार की के चले ये उधर हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। अपने आत्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वैसे यहां एक प्रसंग आ गया, यो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, चारों युग प्रमाण है इन परमात्मा का, चारों युग माए हैं। और झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। अब यहां थोड़ा सा एक उदाहरण देंगे आपको, एक प्रमाण दिखाते हैं।
और बिना प्रमाण क्या बात बने कोनी, क्योंकि नकली और असली का, नकली और असली का साथ साथ प्रदर्शन नहीं होया तो पहचान नहीं होती। अब क्या बताया था परमात्मा ने अपनी वाणी में कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतिया सी और अंधे की बां गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोके पंजारा। अब आपको दिखाते हैं एक बहुत बड़े पंथ का इतिहास। एक ये राधा स्वामी पंथ है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। अपुण्यात्मा जब तक हम इनके ज्ञान से और समाधान से परिचित नहीं होंगे तो इन तो मन ना हटे, और श्रद्धालुओं को स्वयं ज्ञान नहीं कि हमारे गुरुजी ने, हमारे जो पंथ के प्रवर्तक ने के ज्ञान दे रखे हमारे को। इनको राधा स्वामी वालों को अपने पुस्तकों में लिखी हुई व्याख्या का स्वयं ज्ञान नहीं। यदि इनको ये ज्ञान होता है एक दिन भी ना डटे उन नकलियां दो रहे, तुरंत भाग का आ जाए यहां पर सतलोक आश्रम बरवाला में। अब ये इसको सुनना भी पसंद नहीं करते, दुर्भाग्य इनका। नो कह रामपाल है ना महाराज एक, वो तो आलोचना करता, उसकी हम पुस्तक भी नहीं पढ़ने, उसका सत्संग भी नहीं सुनना चाहिए। कौन कहते हैं, उनके परिचर बोलते हैं। आम जनता के, आम श्रद्धालुओं के हृदय में ऐसा जचा रहे हैं कि रामपाल का सत्संग नहीं सुनना, कि उनको पता है कि दे सत्संग सुन लिया तो सारे बाजाओं के नकलियां छोड़ के, वो दुश्मन हैं इस समाज के, शत्रु हैं, वो मित्र नहीं है। जान बूझ साची तो जय करे झूठ ते ने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। तो पुण्यात्मा हुआ ये बात है कि निम्बण दे इतने निम्बेगी, उन्होंने न्यू सोच रखी है कि देखी जाएगी, इतने कुछ दिन तो डाटा ही न, लेकिन कब तक निम्बेगी, एक दिन तो यह बात सच सामने आवेगी। अब इसीलिए ये दास का प्रयत्न है कि उन्हीं की लिखी हुई पुस्तकों को आपके रूबरू करवा दूं, और फिर भी ना माने तो उसके लिए परमात्मा ने कहा कि चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दे गुड़जोट। ये देखिएगा एक पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, अधूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास, और ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। ये 16वां संस्करण 2003 में लेटेस्ट है यो, और यहाँ से प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। इतने से भूमिका में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में 109 साल हो गए ये डले डोंत्या और पढ़त्या ने, आज तक ये नन्यो निबेरा राधा स्वामी के श्रद्धालुओं ने इसमें के अड़ंगा ठोक रखा है। अब दिखाऊंगा आपने, देखिएगा। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुख लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो,
स्वामी जी महाराज का शुभ नाम राइटर इस पुस्तक में।